हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विजय। ये हमारा 9th ट्यूटोरियल है रिएक्ट का, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम अपने डाटा को वन बाय वन ऑटोमेटिकली एक्सेस कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको याद होगा 5th ट्यूटोरियल में मैंने स्टेट के बारे में जब बताया था, तो मैंने यहाँ पर ये एग्जांपल लिया था, नेम लिए थे और उसको वन बाय वन सबको हमने प्रिंट करवाया था। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, हर बार तो ऐसा नहीं कर सकते, ये तो डाटा हमारा छोटा था इसलिए हमने इसे नेम ज़ीरो, नेम वन, नेम टू करके प्रिंट करवा लिया। लेट अस सपोज कीजिए बहुत लंबा डाटा है, तो आप हर एक वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो आप हर बार ऐसा लिखेंगे तो आपका कोड बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो हम इसमें क्या करेंगे कि हम सारे डाटा को वन बाय वन ऑटोमेटिकली प्रिंट करवाते जाएंगे। तो देखिए इसका आउटपुट इस तरीके से आपका जनरेट हो रहा था, दिस इज डाटा विजय अजय रमन। अब हम इसी को थोड़ा चेंज करेंगे और हर एक डाटा को वन बाय वन प्रिंट करवाते जाएंगे और बार बार हमें ये कोड लिखना भी नहीं पड़ेगा इस तरीके से। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जाएंगे रेंडर फंक्शन के अंदर और यहाँ पर सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। यहाँ लिखते हैं वेर और इसे मैं नेम देता हूँ नेम्स, नेम दे देते हैं इसे नेम, और यहाँ पर इज इक्वल टू लगाएंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे, दिस डॉट स्टेट डॉट नेम, जो ये हमारा नेम है इसे यहाँ पर कॉल करवाएंगे और इसमें इसकी वैल्यू यहाँ पर स्टोर करवाएंगे नेम्स में। अब देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा नेम है इसमें हम मैपिंग का यूज़ करते हुए इन सब की वैल्यू को वन बाय वन एक्सेस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे नेम डॉट और फिर उसके बाद देखिए जो ये नेम है इसकी वैल्यू को एक्सेस करने के लिए यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमें मैप, मैप फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। और ये मैप फंक्शन हमारा एक फंक्शन है जो कि दो वैल्यू लेगा, सबसे पहले एक आइटम आइटम लेंगे और देखिए इसी ट्यूटोरियल को मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो अभी आपको अगर कुछ समझ में ना आए तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल देखेगा, तब आपको पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले आइटम्स और दूसरी चीज़ यहाँ पर पास कर रहे हैं इंडेक्स। ये आइटम्स ये पास करेगा और इंडेक्स इसकी पोजीशन पास करेगा, जीरो पोजीशन, वन पोजीशन और टू पोजीशन इस तरीके से। और इसे कुछ रिटर्न भी करवा लेते हैं, तो यहाँ रिटर्न का कोड लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे रिटर्न और इसके अंदर हम लोग प्रिंट करवाते हैं एक लिस्ट। यहाँ पर लिखते हैं एल आई, टैब दबाएंगे कंप्लीट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। फिर लगाएंगे इस तरह से कर्ली ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि जो हमारा आइटम है ये हमारा एक वेरिएबल है, इसलिए यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस लगा रहे हैं। यहाँ लिखेंगे आइटम्स, ये हो गया हमारा कोड कंप्लीट। यहाँ पर लगाएंगे एक पैरेंथेसिस और इसके बाद इसे क्लोज करेंगे और यहाँ पर भी लगाते हैं एक पैरेंथेसिस इस तरीके से। और देखिए कुछ एरर दिखा रहा है हमें, चेक कर लेते हैं क्या एरर है। देखिए फ्रेंड्स, एरर इसलिए दिखा रहा है कि हमने यहाँ पर ये फंक्शन को क्लोज कर दिया जबकि फंक्शन के अंदर है पूरा, तो इसलिए यहाँ पर ये हटा देंगे पैरेंथेसिस। अब देखिए हमें क्या करना है, इस आइटम्स ये रिटर्न क्या करेगा, ये आइटम रिटर्न करेगा जो यहाँ से इसमें पास होगा विजय अजय रमन वन बाय वन मैप के द्वारा। अब इसे रिटर्न कर दिया हमने नेम, तो नेम में अब इस नेम को यूज़ करेंगे यहाँ पर, यहाँ पर हमने ये कोड लिखा है। तो यहाँ से इसे करते हैं सबसे पहले डिलीट, इस कोड को पूरा डिलीट कर लीजिए, सेलेक्ट कर लेते हैं इसे, डिलीट कर लेते हैं और यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, अब सिर्फ नेम लिखेंगे, ये जो नेम है ये जो रिटर्न कर रहा है वैल्यू, तो यहाँ पर लिखते हैं नेम को, तो यहाँ पर लगाएंगे कर्ली ब्रेसेस और यहाँ पर लिखेंगे इस तरह से नेम, सेव करते हैं इसे और इसे रन करेंगे, रिफ्रेश करते हैं इसे एक बार, तो देखिए वही डाटा आ रहा है, दिस इज अ डाटा विजय अजय रमन। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं कुछ चेंज करता हूँ इसमें, कुछ वैल्यू अगर मैं चेंज करूँ, यहाँ पर एक और वैल्यू ऐड करते हैं सिंगल कोटेशंस में, मैंने ऐड किया नेहा, इसे कर रहा मैंने सेव और इसे भी रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए ये वैल्यू भी ऑटोमेटिकली आपके ऐड हो जाएगी। रिफ्रेश करेंगे इसे तो देखिए ये वैल्यू भी ऑटोमेटिकली आपकी ऐड हो गई, आपको स्पेसिफाई नहीं करना पड़ा है, दोबारा से कोड नहीं लिखना पड़ा है उसके लिए ऐड करने के लिए। तो ये था साइक्लिंग ऑफ डाटा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।